गाइज वचन छिब्बर का कॉल है और आई नीड हिज ओरिजिनल रिएक्शन किस चीज पर बताऊंगी. हेलो वचन, मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही. अगर तुझे मेरी, रुक जा, होल्ड कर, एक सेकेंड. क्या नाम है, व्हाट्सएप चेक किया? अरे सर बड़ा ही अच्छा लग रहा, थैंक यू. है थैंक यू. वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, और कैसे हैं आप सभी लोग? आज है मंडे, और आज मंडे ही है ना? हाँ आज मंडे ही है. हाँ, और या एग्जैक्टली लंच टाइम हो रहा है, और आज मुझे वचन के घर जाना है. लंच पे नहीं जाना है, किसी और रीज़न से जाना है. कल रात में आंटी जो हैं वो डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से घर आ गई हैं. 12 बजे कल रात में आई थी, नहीं तो मैं कल ही जाती उनसे मिलने के लिए. बट वो बहुत लेट आए थे, वो लोग डिस्चार्ज होके आंटी लेट आई थी. तो मैंने ये सोचा हुआ है कि आज मुझे वचन की मम्मा मतलब कि आंटी को देखने जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर वचन यार, मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ वचन के लिए. बहुत ईश्वर से दुआ करती हूँ, हे ईश्वर की उसे कामयाब बनाएं, बहुत कामयाब बनाएं, बिकॉज कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल से भी और दिमाग से भी बहुत माइंडेड बंदा है. तो दिमाग से बहुत अच्छा खेलता है वो, सबसे अच्छी बात ये है. तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट कह सकते हो. मेरे सारे कपड़े यहाँ सूख रहे हैं, वो फुल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसका. तो जिन्होंने भी मुझे एक गिफ्ट दिया था, आप देखिए मैं इसका कितने अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, पूरा इस्तेमाल करती हूँ. ओके, और अभी सब कुछ यहाँ साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है. सो फाइनली गाइज, मैं जा रही हूँ कहीं, और मैं मेरी स्लीपर्स ये. सो क्योंकि मेरी बाहर जाने की स्लीपर्स जो हैं वो अलग हैं, और घर में रहने की स्लीपर अलग हैं. तो मोटा ये बंद कर दूँ? नहीं वो मैं बंद करना, ये बंद करूँगी. आ जा. अरे इसमें पर्स था, और वो नहीं पैसे बोल रहा हूँ, पैसे हैं और वो सारे वो है ना पेपर वेपर हैं, स्कूटी के लाइसेंस है, पुलिस रोक लेती है ना फिर. एक गली आने में. हाँ एक गली आने में. हाँ आ जा लेके आ. धन्यवाद. नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, आपके छोले बहुत आपने छोले बहुत बढ़िया बनाए थे. धन्यवाद. जब जब बनाओ तो छोले की कटोरी मुझे जरूर पेश करूँ. आप नेक्स्ट टाइम जब भी छोले बनाएंगे अंकल जी के लिए एक बड़े वाले टिफिन में छोले पक्का. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया. और आंटी ठीक है? ठीक है सब बढ़िया. चलिए आइए मैं हाथ धो लूँ पहले. वचन के घर आते ही मैंने एक चीज देखी, और वो है ये. और मैंने आते ही पूछा कि ये है क्या वे, तो मुझे उसने बोला कि तंदूर है, गैस तंदूर. मैं बड़ी इंप्रेस हो गई यार इसे देखकर. कैसे यूज कैसे करते हैं इसको? सो ये यूज ऐसे होता है कि पहले तो हम इसको ना हल्का सा पहले पानी से भिगो के, हाँ, हल्का सा गीला करके, फिर घी लगा के इसको ऐसे करके उल्टा करके गैस लगा के रख देते हैं. ठीक है, फिर इसको ऐसे रखते हैं नीचे से गर्म होने के लिए. जब फिर रोटी ऐसे बनती है, मतलब कि ऐसे ऐसे लगता है गैस पे, ऐसे ऐसे और ऐसे तीन रोटी लग सकती है. ऐसी रहेगा गैस. हाँ ऐसे ऐसे गैस और ऐसे तंदूर, बस. बड़ी सही चीज है ये. और इसमें खाली मतलब रोटी बन सकती है? नहीं, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा कुछ भी बना लो. मतलब खाली ये तंदूर है, बेसिकली तंदूर जैसे सब कुछ निकलता है, तंदूरी रोटी सब कुछ बन सकता है. जो हमने अभी तक बनाया लच्छे पराठे, तंदूरी रोटी, नान, गार्लिक नान, ये सब बनाया हमने. और जैसे हमें पनीर वगैरह ग्रिल करना हो तो? नहीं ये ग्रिलर नहीं है, ये सिर्फ तंदूर है, क्योंकि ये बेसिकली हीट की वजह से इस पे बनती है. भारी होगा ज़्यादा? नहीं ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल है. हमारा यूज कर लिया चाहिए होगा तो. वैसे वैसे तुमने रोज रोज मैं जाऊँगा तो मैं तो नहीं जाऊँगा, दीदी और जाएंगे तो उनको बोल दूंगा एक और ले आएंगे. दीदी के ससुराल से ही आया होगा ना? हाँ ये यमुनानगर से ही आया. नहीं चल ठीक है कोई बात नहीं, जब जाएंगी तब बोलियो, अभी नहीं. हाँ
हाँ सो फाइनली आंटी जो है अंदर रेस्ट कर रही हैं अभी और उनको हमें जगाना नहीं है क्योंकि सो रही हैं. जब जग जाएंगी तो मैं उनसे थोड़ी सी बात करूँगी. बट आंटी सो रही हैं तो दवाई खा के तो डिस्टर्ब नहीं करते. ये बना, ये केक मैंने बनाया था. सच्ची में? हाँ हाँ कसम से. हाँ है ये ले. बट बासा हो गया 10 दिन. बासा नहीं, बासी बोलते हैं. पहले रख देते तो थोड़ा मुलायम होता. हाँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए. हम लोग, मैं खा नहीं रहा हूँ इसमें क्योंकि इसमें अंडा डाला है मैंने. अच्छा अंडे वाला है ये, खा नहीं रहा. पापा पुदीना का रखा है आपने? बट ये मिलेगा गर्म ही. हम लोग ठंडा ठंडा कुछ भी नहीं, ठंडा पानी में पीती भी नहीं हूँ. हम लोगों ने सब कुछ मैं मम्मी के पास है. वो पापा वीडियो बन रही है. पुदीना दे दो मुझे आप. अंकल ऐसे दे रहे. आप देख सकते हो मेरे पापा कैमरे के बहुत शौकीन है. तो जब पता है, जब भी मैं कुछ बना रहा होता ना, और कहते हैं हट जरा और अपने ऐसे कच्ची पकड़ के दिखाने लग जाएगा और कहेंगे आप चल तो प्रीति मिस्टी को मिलेगी. दोनों मेरी सिस्टर्स प्रीति और मिस्टी, उनको भेज दे जरा ये फोटो. अंकल जी ने पुदीना डाला है और कैमरे में जब आना था तो डाल दो. जलजीरा पाउडर अंकल बड़े शौकीन है. बड़ा अच्छा लगा देख के कैमरे पे मैं आऊंगा. मिश्री दी देखेंगे, मिश्री मेरी व्लॉग देखती ना, मिश्री दी देखेंगी बच्चे छोटा सिस्टर कहेंगे अच्छा आज पापा भी. पहले खाली बच्चे नहीं दिखते, पापा भी. दीदी को बताया सरे? नहीं अभी नहीं बताया मैंने. अपनी चैनल के बारे में अभी बताऊंगा. सीधे चैनल भेजियो, फोटो भेजियो जो मैंने भेजी थी स्क्रीनशॉट. खुश एकदम से देख के. खुश है तू? है सुपर एक्साइटेड. हाँ पापा और क्या डालना है इसमें? और डाल मेरे लिए बना दे पानी वो डाल इसमें. पानी तो डालेंगे अपने, थोड़ा सा मम्मी को भी. मम्मी से पूछ ले, मम्मी को भी दूंगा थोड़ा सा ना नींबू पानी. लेकिन इसका इसमें से वो बहुत अच्छी आ रही है यार. वो जो आम वो नहीं होता है, आम जैसे आम पन्ना. आम पन्ना तो नहीं लेकिन वैसी कुछ होता नहीं है. ये क्या डाल रहा है? क्या डाल रहे हैं? चाट मसाला. शिकंजी के अंदर ना नमक डाला है, कावा और जलजीरा डाला है, पुदीना और चाट मसाला. हाँ. उसके ऊपर नींबू का रस दिया जा रहा है. हाँ. उसके बाद मिलाया जाएगा. हाँ. मिलाने के बाद फिर वो टेस्ट आएगा. उसका पता नहीं क्या. तेरे तेरे व्लॉग तो देखो, तेरी वीडियोस तो हिट है. जब दोनों साथ में बैठते हैं तब मुझे ज्यादा मजा आता है. और आपको ये भी बताऊं मैं अंकल जी की. आइए अंकल, आप आपके बारे में बात करेंगे. पापा पहले टी शर्ट पहन के आओ. नहीं नहीं ठीक है अंकल, आप आइए कोई बात नहीं. अंकल की एक बात बताऊं मैं आपको. अंकल जी एक बार मुझे ना यही शुक्र बाजार लगता है वहां मिले. चले गए. देखो अंकल को ना, अंकल को थोड़ा आंटी ऐसे कंट्रोल में रखते हैं मीठा खाने पे, है ना. तो अंकल को, अंकल जो है एक बार बच्चन मुझे और दिवाकर जी को सुबह सुबह हम मार्केट करने गए शाम को, और हमें मिले वो शुक्र बाजार में. शुक्र बाजार में जहाँ बाइक खड़ी कर रहे थे वहीं पे शर्मा रहे पापा. वहीं खड़े होके वो जलेबियाँ खा रहे थे. अब मैं सोची मैं बाइक से उतरूँ तो अंकल जी से जाके नमस्ते करूँ. अरे मैं बाइक से उतरी, अंकल जी वहाँ से रखूँ चक्कर. अब मैं कह रही हूँ पता नहीं कहाँ गए थे जल्दी. फिर जब मैं दोबारा यहाँ आई तो मैंने कहा अंकल उस दिन आपको मैंने वहाँ देखा था, क्या ना जलेबी खाते हुए. लेकिन आप, मैं उतरी बाइक से, आप थे ही नहीं. आंटी कह रही है तूने देख लिया ना खाते हुए, इसलिए. मैंने कहा मना इनको खाना अंकल जी को है वचन.
तो वो इसलिए क्योंकि सोनिया ने देख लिया है कि कहीं बता ना दे कि मैं यार जलेबियाँ खा रहा था और मुझे नहीं पता कि नहीं पता। और मैंने आके पूछा पापा आप सोनिया ने मुझे फ़ोन किया अंकल यहाँ पे थे, तो मैं उस वक्त बाहर था, दिल्ली से बाहर था, एक शादी के लिए गया हुआ था। तो सोनिया ने मैंने अंकल को यहाँ देखा, मैंने पापा को तुरंत फ़ोन किया, मैंने पापा कहाँ? कहीं नहीं, घर के नीचे था, दूध लेने आया था। मैंने कहा आप जलेबी खा के आओ। हाँ किसने बोला? नहीं किसकी मर्जी, कसम खिला ले, मैंने तो नहीं खाई। थोड़ी मेहमान नवाजी करेंगे हम। देखिए ना हमारे पास ऐसी कांच ऐसी वाली ट्रे है, हमारे पास लकड़ी में मिरर का वर्क। ये मैंने कश्मीर में जाके शादी कराई थी, वहाँ से मुझे इसमें इधर बहुत सुंदर सा एक गिफ्ट हैम्पर था वो मिला था। यहाँ पे ग्रीन टी थी, यहाँ पे हनी था, ऑर्गेनिक हनी था प्रॉपर, एक बड़ा सुंदर यहाँ पे कुकीज़ के दो डब्बे थे बहुत सुंदर स्वाद वाले, तो ये मुझे वहाँ से मिली थी। ओके सो यहाँ पे पहले आंटी को दे दे यार, हम मम्मी के निकाल लो आंटी को। हाँ कुछ अगर पापा को देखोगे तो वो फ़ोन ऐसे लगा के बैठे रहते हैं और गेस व्हाट वो क्या सुनते हैं, सपना चौधरी के गाने अंकल और साथ में माधव को क्या वो लगा दी उन्होंने आदत, वो लत कह रही हूँ आदत। मम्मी ये लो थोड़ा सा नींबू पानी पी लो। आंटी नमस्ते। मम्मी सोनिया आई आपको मिलने। कैसे हो आंटी? आओ उठाऊं? उठा दे। आज ज्यादा सो रहे हो, क्या चक्कर है? और क्या होता? बहुत अच्छा आंटी कैसे करूं? सब बहुत बढ़िया, आप बताइए तबीयत ठीक है अभी आपकी पहले से? जल्दी से ठीक हो जाओ, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे आप मुझे लेटे हुए, ठीक है ना? नींबू पानी पी लो। मैं वही कह रही हूँ अंकल बड़े स्टाइलिश तरीके से बैठ रहे हैं, कैसा लगा अंकल आपको? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो इस फोन में मोदी नगर से बढ़िया, मोदी नगर एक बनाते हैं शिकंजी वाला, अच्छा उससे बैठ रहे हैं, वो क्या बनाता होगा? सही बात है, मोदी नगर वाला जो घर की चीज है, इसके अलावा कहीं की चीज़ नहीं मिल सकती। और हमेशा याद रखो घर की चीज़ खाओ तो बढ़िया रहती है जिंदगी में, यही काम है हमारा तो सब देना। सही बात है, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो अंकल, वो कई पंजाबियों वाली बात सारा कोई ये अथी है, खाओ पियो मौज लो, बाकी क्या रखा है ये बोला जिंदगी जिंदगी। इसमें आधी पंजाबी मिलाई थी ना आपने? हाँ खाने पीने से तो मजा है, पंजाबियों से तो है सही बात, पंजाबी को लो सीखो खाना पीना। सही बात, अब जो पंजाबी सब्सक्राइबर्स होंगे एटलीस्ट वो तो अंकल को देख के बहुत खुश हुए होंगे और ज़रूर तेरे चैनल पे आएंगे वो। अंकल जी आपके मुंडे ने एक चैनल बना लिया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? अच्छी बात है, चैनल बनाया बहुत बढ़िया है, बनाना चाहिए, नई नई तरक्की करनी चाहिए, बड़ा आगे बढ़ना चाहिए, ये छोटी सी चीज़ है चैनल, आगे और बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी सब बढ़िया। और बजट पापा के विचारों पर तुम्हारा क्या कहना है? बस आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है। सबसे बड़ा सहयोग सोनिया का जो भी एक ये लेके बना रही है वीडियो, ये बहुत छोटी सी चीज़ बोल रहे हैं। नहीं यही एक तकनीक सबसे बड़ी चीज़ है, छोटे से बड़ी एक तकनीक तक पहुँचता है, छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे सब लेते 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 फिर बड़ा पहुँचता है, ये तो होता नहीं कभी एकदम बड़ा बन जाए, बड़ा बनने के लिए पहले छोटे से उठना पड़ता है, छोटे से उठने के बाद जब बड़े पर क्या या अमिताभ बच्चन या जया भादवी या ऐश्वर्या राय वगैरह जो पहुँचे वो एकदम थोड़ी पहुँचे, वो ज़मीन से ऐसे उठ के पहुँचे, उन्होंने कड़ी मेहनत करी है थोड़ा बहुत, इसी को करते रहो बढ़िया, गुड रहो, शुभ रहो, खुशी रहो। अंकल ने बोला बट ठीक है, आशीर्वाद मिल रहा है सबका, इतना प्यार मिलता है मुझे यहाँ पे वही बहुत है इन सब चीज़ों की थैंक यू की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्यार ही बहुत ज़्यादा मिलता है। चले भाई मेरा भाई ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, ये मैंने डुगू के लिए लिया भैया, उसको पसंद है केक, तो डब्बी बढ़िया लगी। हाँ डब्बी भी डाल दिया अभी। मुझे अंकल ने बोला कि अंकल के पास मेरी वीडियो का वो नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो पहले मैं इनका चैनल लेके अपने चैनल सब्सक्राइब करूं सबसे पहले, तो फीड करते हैं। मैं भाई YouTube खोला था नंबर अपने ऑटोमेटिक, ये रहा मेरा चैनल देखिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दिया,
और सब्सक्राइब कर, देखो आपका मुंडा दिख रहा है मेरे चैनल पे, देख रहे हो ना कितने सब्सक्राइब हो गया ना, लाल वाला बटन अब नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब सब्सक्राइब है। और ये भी जो घंटी जो बजती है दिख रही है ना, सब्सक्राइब हो गया। अब मेरे, मैं कभी भी वीडियो डालूंगी ना तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, अब आप मेरा कोई भी वीडियो यहाँ से उठा के देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऐड आ रहा है ना, इसको पूरा देखिएगा, हाँ ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, करो ही करो, और हमारी आने वाली वीडियोस का इंतजार करो। हाँ। हमें प्यार दो ऐसे ही, और प्यार दो। मैं घर जा रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम प्यार के भूखे हैं, प्यार के। एंड आई होप कि आपको अंकल बहुत एंटरटेनिंग लगे होंगे, अंकल बहुत एंटरटेनिंग लगे होंगे आप लोगों को। और आंटी को मैंने पास इसलिए दिखाया क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये टाइम सही नहीं है आंटी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई और मैं बाहर से गई थी, तो बिल्कुल भी सही नहीं है उनके करीब जाना मेरा। आंटी के डॉक्टर ने भी अभी मना किया हुआ है, 7 से 10 दिन उनको हमने अलग से एक रूम में रखा हुआ है। हाँ, बिकॉज की आंटी हॉस्पिटल में 10 दिन रह के आई है, तो थोड़ा सा उनको ये होगा कि प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस लेने हैं और उनको सबसे अलग रखना है भी 10 दिन के लिए। हाँ, क्योंकि भाई हॉस्पिटल का एटमोसफेयर भी अच्छा नहीं हो चल रहा है और हम लोग भी बाहर आते जाते हैं तो फिर सही नहीं है। करोगे, कल रात को जब मैं हॉस्पिटल से लेके आ रहा था, इतनी भीड़ थी इमरजेंसी में, इतनी भीड़ थी, लोग ऐसे जैसे लंगर बट रहा था ना, लोग ऐसे भीड़ लगा के वहाँ पे खड़े होते हैं एडमिशन एडमिट कराने के लिए। एक्जेक्टली, इतनी बुरी हालत है। इट्स वेरी डेंजरस कि अभी आंटी से कोई अंदर जाके मिले, तो इसलिए मैं अंदर उनसे रूम के अंदर मिलने नहीं गई। और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी मैं उनसे ज़रूर आप लोगों को मिलवाऊंगी। ब्लॉग का एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्यार बांटते रहिए, देते रहिए और बांटते रहिए। बाय करते हो, बहुत देर हो गई, बाय।